हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। और आज की हमारी वीडियो है प्लेस्टेशन 4 के एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में जो कि है 4.5। आप देख सकते हैं मैंने अपडेट पे ऑलरेडी इसे लगा दिया है, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार किया था और ये फाइनली रिलीज़ हो गया है। और अगर आपके पास भी प्लेस्टेशन 4 है या फिर प्लेस्टेशन 4 प्रो है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो प्लेस्टेशन 4 प्रो ओनर्स को होने वाला है। इसके अंदर आ गया है बूस्ट मोड, यानी कि आप सेटिंग से बूस्ट मोड को ऑन कर सकते हैं और आप इसमें जो भी गेम चलाएंगे वो काफी अच्छे फ्रेम रेट पे चलेगी और काफी बेहतर ग्राफिक्स उसके अंदर आएंगे। अगर आपके पास 4K टीवी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपके 1080p वाले डिस्प्ले पर भी जो गेम का रेजोल्यूशन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी और जो फ्रेम रेट है उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, तो और भी जो स्मूथनेस है गेम की कहें तो वो काफी बेहतर हो जाएगी, ऐसा कंपनी का दावा है। और भी कई सारे फीचर्स जो हैं वो इसमें आपको मिलेंगे, जैसे कि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को लगा सकते हैं और इस तरह के जो कुछ और फीचर्स की बात करें तो जैसे कि आप वॉलपेपर अपना सेट कर सकते हैं, तो और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, आप स्टेटस वगैरह को डाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़रूरी अपडेट है तो आपको अपडेट करना ही चाहिए अपने सिस्टम को। तो देखो दोस्तों मैंने इसको अपडेट कर दिया है फाइनली, तो अब चलते हैं, मैं आपको सेटिंग में कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए हम सेटिंग्स के अंदर आ गए हैं और चलते हैं सबसे यहाँ, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अपडेट हो चुका है फाइनली। तो मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि हम प्लेस्टेशन 4 लें या फिर प्लेस्टेशन 4 प्रो को क्यों लें अगर हमारे पास 4K टीवी नहीं है, तो अब इस अपडेट के आने के बाद से आपके पास एक रीज़न है कि आप उसे क्यों ले सकते हैं, मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। तो ये देखिए इसके अंदर एक ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आप इसके अंदर अपनी जो पिक्चर है कोई भी वो लगा सकते हैं, पहले ऐसा प्लेस्टेशन में नहीं होता था, तो अब आप अपने जो भी फेवरेट्स हैं या फिर कोई भी स्टार जिसे आप पसंद करते हैं या फिर किसी भी तरह का अपना मनपसंद वॉलपेपर जो है या फिर अपनी फ़ोटो या फिर घर पे किसी की फ़ोटो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, जैसी आपकी मर्ज़ी आप सेट कर पाएंगे उसको। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस फ़ोटो को यहाँ पे लगा दिया है तो ये काफ़ी अच्छा है। कई बार होता था कि हमें अपने फेवरेट गेम के वॉलपेपर लगाने होते थे पर वो हम नहीं कर पाते थे, पर अब फाइनली वो चीज़ हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, जो थीम्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और आया है, आप देख सकते हैं ये डबल फ्लो में अंदर आया है। और ये देखिए आप अब जो कलर्स हैं वो ड्यूल में आ गए हैं इसके अंदर प्लेस्टेशन में, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन को एक नया लुक दे सकते हैं। तो मुझे ये कलर्स काफ़ी पसंद आए और आप इन में से चूज़ कर सकते हैं कोई भी कलर को। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ये थीम जो है इन्होंने दी है, पहले ये सिर्फ ब्लू में आ रही थी पर अब जो है इसके अंदर काफ़ी कलर्स आ गए हैं, तो आप इसमें से कोई भी चुनकर उसे अपनी होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि हम अलग अलग तरीके से जो हमारी होम स्क्रीन है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे और अच्छा लुक जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए एक और फीचर की हम बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना स्टेटस डाल सकते हैं, अगर आपने कोई गेम प्ले करी है या फिर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, टैग कर सकते हैं, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है जो फ़ीचर्स हैं इनमें इन्होंने ऐड किए हैं। और ये बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सोनी ने अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन कस्टमर्स को दिया है कि आप अपना एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है उसको भी कनेक्ट कर सकते हो प्लेस्टेशन से, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपकी हार्ड डिस्क बढ़ जाती है जल्दी से। तो यहाँ पर जो हमारी मेन चीज़ है वो आ जाती है, अब हम सिस्टम में जाएंगे और ये रहा हमारा बूस्ट मोड। इसको अनेबल करते ही कंपनी का दावा है कि बहुत सी गेम्स के अंदर जो फ्रेम रेट है जो ग्राफिक्स है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, पर मेरे सुनने में ऐसा भी आया है कि सभी गेम्स इस पर अच्छी नहीं चलती, हो सकता है कि कुछ गेम को आप चलाएं बूस्ट मोड के साथ वो अच्छी प्ले ना हो, तो ऐसे में कंपनी रिकमेंड करती है कि आप बूस्ट मोड को जो है ऑफ करके उस गेम को खेलें, पर आगे आने वाली बहुत सी गेम्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर जो है कंपनी ने दिया है। तो अगर आप प्लेस्टेशन लेने की सोच रहे थे और आपके पास 4K टीवी नहीं था तो आपके पास एक और वजह है प्लेस्टेशन 4 प्रो को ख़रीदने की, तो इसको ज़रूर कंसीडर करें, काफ़ी अच्छा फीचर है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ज़रूर और शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। और अगर आपका कोई भी सुझाव हमारे चैनल के बारे में हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें, हो सकता है कि रिप्लाई करने में थोड़ी देर हो पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।